दोस्तों, अगर आप भी रोहित और विराट को बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में मिली शर्मनाक शिकस्त से न्यूजीलैंड क्रिकेट में आ गया भूचाल। रातों रात टीम में हो गई कप्तान केन विलियमसन की वापसी, और भारत आते ही उन्होंने दूसरे वनडे में पहले टीम इंडिया को कड़े शब्दों में धमकी देते हुए जो बयान दिया है, उनकी बातें सुनकर अब दूसरे वनडे का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिरकार क्या कुछ बताया केन विलियमसन ने, कैसे विलियमसन लेने वाले दूसरे वनडे में टीम इंडिया से बदला, उनके होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और विलियमसन में से कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। बल्लेबाजों के दबदबे के बीच गेंदबाजों ने भी करिश्मा दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के मैदान पर भारतीय क्रिकेट के शहजादे शुभमन गिल ने अपना जादू बिखेरा और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 100 नहीं सीधे 208 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इसके बाद तो उनका नाम क्रिकेट की किताब में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। इनकी बदौलत टीम इंडिया ने मेहमान न्यूजीलैंड को 350 रनों का विशाल लक्ष्य सौंपा था। और दोस्तों, इतने विशाल लक्ष्य को चेस करते हुए न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दी। अपने होम ग्राउंड हैदराबाद में मोहम्मद सिराज, जिनके कातिलाना गेंदों के आगे न्यूजीलैंड के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी घुटने टेक गए, और 130 रनों पर ही उन्हें 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। लेकिन उसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने मिचेल सैंटनर के साथ मिलकर लगभग करिश्मा दिखाई दिया और 162 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप कर अपनी टीम की न सिर्फ इस मुकाबले में वापसी कराई और बल्कि उनको रोने पर मजबूर कर दिया और मिचेल सैंटनर को पवेलियन की राह दिखा दी। जिसके बाद दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने अंत में माइकल ब्रेसवेल को 140 रनों के स्कोर पर चलता कर टीम इंडिया को जीत दिला दी और मेहमानों को पहले वनडे में 12 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि एक पल के लिए भारतीय टीम के दिलों की धड़कन भी बड़ी हुई थी, लेकिन जीत तो जीत होती है और न्यूजीलैंड क्रिकेट को अपने हार से बहुत बड़ा झटका लगाए और उन्होंने अपनी टीम में केन विलियमसन की वापसी कराई है। और विलियमसन ने आते ही अपनी टीम की कमान हाथों में लेकर टीम इंडिया को धमकी भी दे दी। जी हां, विलियमसन ने कहा है कि पहले मैच में हम हारे नहीं है, हम बेहद करीब थे, बस जीत के लिए हमें 2 बेहतरीन शॉट चाहिए थे। हमारी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है और हम दूसरे वनडे में वापसी करने के इरादे से खेल रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान को उन्हीं की सरजमी पर हराकर उनका घमंड तोड़ना, और हम ऐसा करने वाले हैं। दूसरे वनडे के लिए हमारी पूरी रणनीति तैयार है, हमें पता है भारतीय टीम की कमजोरी और मजबूती क्या है। ऐसे में दूसरे वनडे में आपको एक अलग ही न्यूजीलैंड की टीम देखने को मिलेगी, जो भारतीय टीम को बहुत करारी शिकस्त देगी। तो दोस्तों, कप्तान विलियमसन के ओवर कॉन्फिडेंस भरे बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि दूसरे वनडे में कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।